जापान का आप जैसे ही नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात जरूर से आई होगी कि वहां के लोग कितने ज्यादा पंक्चुअल हैं और समय के पाबंद हैं। अक्सर लोग इंडिया और जापान के रेलवे में कंपेयर करते हैं कि यहाँ की ट्रेन जो है वो घंटों घंटों लेट होती है, जबकि अगर जापान में कोई ट्रेन अगर सेकेंड भी लेट हो जाए तो वहां पर के ड्राइवर को माफी मांगना पड़ता है। और इस बात से आप ये तो अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि वहाँ के लोगों को कन्वीनियंस कितना ज्यादा पसंद होता है। और जापान के लिए एक टर्म और भी यूज होता है कि वहाँ के लोगों को अल्ट्रा कन्वीनियंस की आदत है। लेकिन जरा सोचिए कि ऐसे लोग जब सुपरमार्केट जाएंगे, वहां पर आपको ना वेजिटेबल्स मिल रहा है, आप अगर कोई मेडिसिन को ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा दिन लग रहे हैं, इवन की फूड डिलीवरी भी जो है वो 2 से 3 दिन के बाद आती है। जिस तरीके से आप अपने घरों में जोमेटो या फिर स्विगी करते हैं तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में आ जाता है, डिलीवर हो जाता है। लेकिन जापान में ये स्थिति हो गई है कि वहां के लोग जब फूड ऑर्डर करते हैं तो फूड तो बना हुआ रहता है, पैक हो जाता है, लेकिन कई बार जो है वो डिलीवर ही नहीं हो पाता है। और ऐसा भी नहीं है कि जापान के लोग कामचोर हो गए हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण जापान का सप्लाई चेन बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया है। और अब ये समस्या इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि जापान में इसे 2024 प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्या है जापान का 2024 प्रॉब्लम? दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि किस तरीके से जापान की रेलवे जो है वो 1 सेकंड भी देरी नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ठीक उसके उलट जो है जापान का पूरा सप्लाई चेन जो है वो पूरा रोड पे टिका हुआ है, ना कि रेलवेज पे। मतलब जिस तरीके से हमारे आप इंडिया में देखोगे तो कई सारे ट्रेन जो है वो फ्रेट ट्रेन होती है जिसमें कि आपका सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, लेकिन जापान में आप जब देखोगे तो 90% जो लगेज होता है या फिर कोई गुड्स होते हैं वो सीधा बाय रोड जाते हैं और डिलीवर भी बाय रोड होते हैं। मतलब जापान में ये स्थिति हो गई है कि आपने अगर इमरजेंसी में खाना भी ऑर्डर किया है तो ये गारंटी नहीं होगी वहां पर कि आपको खाना डिलीवर हो ही जाएगा, जबकि हम सब जानते हैं कि जापान कितना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है वहां पर जिसके कारण जो है उनका सप्लाई चेन बिल्कुल ध्वस्त हो गया है? और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक ऐसा वहां पर समस्या हो जाएगा कि हर 1/3 सामान जो है वो डिलीवर ही नहीं हो पाएगा। जापान को आप जब भी मैप में देखेंगे तो आप उसको समुद्र से घिरा हुआ पाएंगे और वहां पर सी फूड इतना ज्यादा प्रचलित है कि वो जिस तरीके से हमारे बंगाल में कहा जाता है ना कि मछली हर लोग खाते हैं, उसी तरीके से वहां पर सी फूड लगभग लोग खाते हैं। लेकिन वहां पर यह स्थिति है कि सी फूड भी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपके पास वो 2 से 3 दिन पुराना जो है वो जो भी मछली आएगा या फिर जो भी सी फूड होता है वो 2 से 3 दिन पुराना आपके पास डिलीवर होता है, क्योंकि किसी भी सामान को ऑन डे डिलीवरी जो है वहां पर नहीं दिया जा सकता है। और वहां पर डिलीवरी का कॉस्ट इतना ज्यादा हाई हो गया है कि लोग उसको बियर तक नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसा हो रहा है कि आप अगर किसी सामान को खरीद रहे हैं तो उसका 2 गुना या 3 गुना कॉस्ट जो है आपको डिलीवरी में देना पड़ रहा है। और ये सब के कारण जापान को ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है, लगभग $70 मिलियन का नुकसान जो है वो हर वर्ष जापान को झेलना पड़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2030 तक इसका कोई इलाज ही नहीं है, सरकार इसमें कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी 2030 तक ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। दोस्तों जापान का 2024 प्रॉब्लम एक्चुअली ट्रकर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जिस तरीके से हमारे देश में सड़क पर जो ट्रक चलते हैं उस पर जो गुड्स एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसी तरीके से जापान में भी जाता है। लेकिन जापान में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वहां पर दिन प्रतिदिन जो है वो ट्रकर की संख्या घटती जा रही है और कोई भी ट्रक चलाना ही नहीं चाह रहा है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जापान तो बहुत ज्यादा मेहनती लोगों का देश है, फिर वहां पर लोग ट्रक क्यों नहीं चलाना चाह रहे? तो दोस्तों इसके पीछे कारण ये है कि वहां पर के जो ट्रकर्स हैं वो बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर रहे हैं। आप अगर वहां के ट्रकर्स का वर्कलोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नेशनल एवरेज से लगभग 444 घंटे जो है वो ज्यादा काम करते हैं हर एक साल में। लेकिन फिर भी जो है ये स्थिति है जापान का कि लोगों को उनकी जो सुविधा का सामान है वो नहीं मिल पा रहा है। जापान को दोस्तों सेब के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है और वहां का सेब जो है वो बहुत सारे जगह एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन उनका सेब जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, वो कहीं पे जा ही नहीं पा रहा है। और इसके कारण वहां पर के किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि वहां के किसान ये बोल रहे हैं कि शिपिंग कॉस्ट जो है वो लगभग 10% तक हाइक कर गया है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि उनके सेबों का दाम बढ़ जाता है और उसके बाद उनका सेब का जो डिमांड होता है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। और इस वजह से वहां की जो सेब इंडस्ट्री है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर जा रही है, और इसका बहुत बड़ा चिंता है। और इसकी चिंता जो है ऐसा नहीं है कि वहां की सरकार नहीं ले रही है, बहुत सारा
नए नए नियम को भी लाया जा रहा है, लेकिन वहां पर के लोग जो है अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। खास करके 1970 या फिर 1980 का जब आप दशक देखेंगे तो आपको पता है जापान के लोग जो है बहुत ज्यादा यंग थे और उस समय जो है जापान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अब का समय आ गया है तो वहां पर के लगभग जो लोग हैं वो ऑन एन एवरेज जो उनका एज है वो 50 से 60 साल तक का है। आप जापान की किसी भी ट्रक कंपनी का अगर एवरेज देखेंगे तो वहां पर के ट्रकर्स आपको 50 से 60 साल तक के दिखेंगे, और यदि यंग एज के कोई लड़के वहां जाते भी हैं तो वो मुश्किल से 10 से 15 लड़के ही हैं, और जो मेजोरिटी में जो लोग काम करते हैं वो 50 से 60 साल तक के हैं। और इन लोगों पे वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको ओवर टाइम करना पड़ता है और वो वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से जो लोग ट्रकर्स थे भी वो भी ट्रक को अब छोड़ रहे हैं और इस लाइन में आना ही नहीं चाह रहे हैं, और इस वजह से जापान का पूरा जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है। और स्थिति ऐसी है कि 130 वैकेंसी पे 100 लोग भी ट्रक के लिए अप्लाई नहीं करते हैं कि वो ट्रक चलाना चाह रहे हैं, और वहाँ की सरकारों ने बहुत सारी सब्सिडीज का भी प्लान किया है, लेकिन जो वहाँ पर के लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जब तक जो वहाँ के ट्रकर्स हैं उनका जो एवरेज वर्किंग लोड है वो नेशनल एवरेज के बराबर नहीं आता है तब तक वो वहाँ पर नहीं जाएंगे, और साथ में ही उनका जो सैलरी है उनको ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर के जो लोग हैं उनको सैलरी कम दे रहे हैं जो कि नेशनल एवरेज है उससे बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पर के ट्रकर्स का सैलरी। दोस्तों इसके साथ ही जापान की जो ट्रक है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गए हैं। आप अगर अमेरिका या फिर किसी डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहां पर डिटैचेबल ट्रक चलता है जहां पर कि बहुत सारे कार्गो एक साथ जुड़े हुए होते हैं और जहां जहां उनको अनलोड करना होता है तो उस कार्गो को ही डिटैच कर दिया जाता है। लेकिन जापान में डिटैचेबल ट्रक नहीं चलता है, जिस तरीके से हमारे इंडिया में ट्रक चलता है उसी तरीके से ट्रकर्स वहां पर काम करते हैं, लेकिन वहां पर ट्रक की संख्या धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में अब बहुत ही ज्यादा समय लगता है, और इसी वजह से जापान के ट्रकर्स ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी डिटैचेबल ट्रक जो है वो मिलना चाहिए जिस तरीके से अमेरिका या फिर कनाडा में चलता है। दोस्तों एक समस्या और भी है जापान के साथ, क्योंकि जापान का लगभग 90% जो भी गुड्स है वो रोडवेज से जाता है, जबकि आप अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर लगभग 70-71% जो कार्गो है वो बस रोडवेज से जाता है, बाकी जो है रेलवेज कवर करती है या फिर शिप से जाता है। लेकिन जापान में ठीक इसके उलट है, और अब जो है धीरे धीरे सरकार ये प्लान कर रही है कि वो भी रेलवे में भी गुड्स ट्रेन को चलाया जाए, क्योंकि जो जापान की रेलवे है वो ज्यादातर फोकस जो है वो पैसेंजर पे करती है ना कि फ्रेट ट्रेन पे करती है। वो ये मानती है कि अगर फ्रेट ट्रेन को चलाएंगे तो वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से नहीं चल पाएगा, और इसके कारण क्या होगा कि जापान की जो रेलवे है वो स्लो हो जाएगी। तो आप अगर इंडियन रेलवे को स्लो मानते हैं तो इसका एक कारण ये भी है कि इंडियन रेलवे में ट्रैक पर फ्रेट ट्रेन भी चलती है। और इसके साथ ही दोस्तों जापान में भी समय के हिसाब से फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, जिस वजह से शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया है, और अब लोग जो है उतना ज्यादा शिपिंग कॉस्ट देना नहीं चाहते हैं, और जापान में फ्री डिलीवरी नाम का कोई चीज नहीं है। जिस तरीके से आप ऑर्डर करते हैं अमेजोन पर कोई सामान तो आपको वहां फ्री डिलीवरी मिल जाता है, लेकिन आप अगर जापान में किसी सामान को ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है आपका सामान जितने का नहीं हो उससे ज्यादा जो है आपको वहां पर डिलीवरी चार्ज देना पड़ जाए। और दोस्तों इसका अंतिम और सबसे बड़ा कारण ई कॉमर्स कंपनी भी बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे इंडिया में लोग अब छोटे छोटे सामान के लिए भी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर चले जाते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, उसी तरीके से जापानियों का भी आदत था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि वहां पर जो डिलीवरी एजेंट्स है अब वो नहीं मिल रहे हैं जापान में, वहां पर जो ट्रक है उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, और अभी भी जो है लोगों को वही आदत है कि ई कॉमर्स से ही जाकर के किसी सामान को ऑर्डर कर लेते हैं, और वो जो प्रोडक्ट है अब जो है बहुत डिलीवर ही नहीं हो पाता है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है वहां पर। और दोस्तों इसीलिए किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ई कॉमर्स अगर कहीं पे बढ़ रहा है तो वहां पर साथ में ही जो सप्लाई चेन सिस्टम है उसको भी दुरुस्त किया जाए। लेकिन जापान में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ किया उस तरीके से जो ट्रकर्स हैं उन लोगों का ग्रोथ नहीं हुआ, और इसी वजह से जापान का पूरा जो सप्लाई चेन सिस्टम है अब वो ध्वस्त हो गया है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि हमारे इंडिया के ट्रकर्स जो है वो जापान से ज्यादा काम करते हैं या फिर कम काम करते हैं, जरूर से नीचे कमेंट बताइएगा। और क्या हमारे सरकार को भी जो ट्रकर्स को सब्सिडी देना चाहिए या फिर उनकी सहूलियत के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश के भी ट्रकर्स इसी तरीके से काम छोड़ करके किसी दूसरे काम में चले गए तो फिर हमारा जो सप्लाई चेन है वो भी ध्वस्त हो सकता है, और इसके लिए हमें अभी से सोचना पड़ेगा। और तरीके से हमारी डिपेंडेंसी जो है वो ई कॉमर्स पर बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इंडिया का भी यही हाल होने वाला है या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आप इंडिया
ट्रकर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना, मिलते हैं कि सर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।